गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लाउड्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। क्लाउड कैसे बनते हैं, रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली। आज हम कुछ प्रमुख जो क्लाउड टाइप्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले जब हम क्लाउड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एयर जब असेंड कर रही है और ठंडी हो रही है और अपने ड्यू पॉइंट से जब नीचे जा रही है, तो विजुअल क्लाउड देखने को हमें मिलता है। ये एक फ्रंट की इवेंट है जहां पर बता रखा है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्लाउड ऊंचाई के हिसाब से बन सकते हैं। तो हाइट के हिसाब से क्लाउड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हीं हिसाब से हम इनको ग्रुप करते हैं। कुछ क्लाउड अनयूजुअल टाइप के होते हैं, उन्हें अलग रखे हम, बाकी हम हाई क्लाउड्स जो कि 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम सिरस प्रकार के क्लाउड्स को, सिरो क्यूमुलस प्रकार के क्लाउड को, सिरो स्ट्रेटस प्रकार के क्लाउड को रखते हैं। मिरल क्लाउड जो 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, उन्हें हम अल्टो प्रीफिक्स के साथ रखते हैं। तो अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस टाइप के क्लाउड देखने को मिलेंगे। और लो क्लाउड जो सरफेस से 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे होते हैं, उनमें स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस आदि प्रकार के क्लाउड शामिल होते हैं। इसके अलावा वर्टिकल ग्रोथ के आधार पर कि कितनी उसकी वर्टिकल ग्रोथ है, या तो वो क्यूमुलोनिम्बस प्रकार का होंगे या क्यूमुलस प्रकार के होंगे, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल क्लाउड्स होते हैं, जैसे लेंटिकुलर क्लाउड हो गया, कैलविल हेमहोल्ड्स क्लाउड हो गया, मेमेटस क्लाउड हो गए, और इसके अलावा कॉन्ट्रेल जो कि 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें हम केवल ट्रोपोस्फीयर में पाए जाने वाले क्लाउड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, अन्य क्लाउड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम, जैसा कि आपको बताया, क्लाउड स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेटिफॉर्म जो फ्लैट क्लाउड्स होते हैं, सिरस जो व्हिपलाइज या पैची क्लाउड्स होते हैं, निम्बस वो क्लाउड हैं जो कि एक्चुअली रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और क्यूमुलिफॉर्म ये ग्लोबुलर टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हाई क्लाउड है वहां से। तो ये जो हाई क्लाउड्स हैं, अक्सर ये वेदर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते, और इस प्रकार के क्लाउड में जो सबसे पहले नाम आता है वो सिरस प्रकार का आता है। सिरस प्रकार के क्लाउड्स बहुत ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेंगे। ये अक्सर आइस क्रिस्टल से बने हुए होते हैं और इनका लॉन्ग थिन स्पी या पैची अपीयरेंस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये, इनको मेयर्स टेल भी कहा जाता है क्योंकि हॉर्स की टेल जैसा इनका कई बार अपीयरेंस देखने को मिलता है। अक्सर ये साफ मौसम के दौरान दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभार ये बिल्डअप होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर फ्रंट है तो वहां पर ये बिल्डअप होने के बाद में सीरो स्टेटस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पे वार्म फ्रंट अगर है तो। तो सेकंड टाइप जो है सीरो स्टेटस, जब सिरस टाइप के जो क्लाउड है ये ज्यादा होने लगते हैं और पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको सिरो स्ट्रेटस कहते हैं। ये हाई क्लाउड है
शीट लाइक थिन क्लाउड है जो कि पूरे स्काई को कवर कर रहा है। तो ये इतने पतले क्लाउड होते हैं कि अगर इनके पीछे सूरज या चंद्रमा है तो उसकी रोशनी भी हमें एक हेलो के रूप में दिखाई देती है, और ये हेलो इसलिए बनता है क्योंकि वहां आइस क्रिस्टल के कारण लाइट जो है वो बेंड हो रही है। अक्सर सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, रेन स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म या रेन के आने के 12 से 24 घंटे पहले नजर आते हैं। तो कई बार जैसा आपको पता होगा पूर्वज हमारे जो है वो चंद्रमा या सूरज के चारों तरफ उस हेलो को देख करके अंदाजा लगाते थे कि बारिश आने वाली है, तो ये वही चीज है। सीरो क्यूमुलस एक और प्रकार है आई क्लाउड का। ये रूई के फाये जैसे स्मॉल राउंडेड पफ्स आपको नजर आएंगे जो कि आसमान के अंदर लंबी लंबी पंक्तियों में पफ्स के रूप में आपको नजर आएंगे। इनको हम सीरो क्यूमुलस कहते हैं। अपर ट्रोपोस्फीयर के अंदर ये नजर आते हैं। जनरली ये वाइट नजर आते हैं लेकिन कई बार ये ग्रे भी हो सकते हैं। अक्सर ऐसे क्लाउड आपको विंटर में देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं मिडिल क्लाउड्स पे। तो मिडिल क्लाउड्स में हम अल्टो क्यूमुलस और अल्टो स्ट्रेटस दो की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टो क्यूमुलस की। मिडिल क्लाउड है ये इंडिविजुअल राउंडेड क्लाउड्स होते हैं, मिडिल हाइट पर ही है ये, और ये ग्रेइश वाइट कलर के हमें देखने को मिलते हैं। और अक्सर इनकी खासियत ये है कि जब हम इनको देखेंगे तो ये एक तरफ से थोड़े डार्क और दूसरी तरफ थोड़े लाइट कलर के नजर आते हैं। अक्सर ये ग्रुप्स में आपको नजर आएंगे और इनकी जो थिकनेस है वो करीब 1 किलोमीटर के आसपास तक हो सकती है। ये अगर अल्टो क्यूमुलस क्लाउड वार्म और ह्यूमिड मॉर्निंग में नजर आते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दिन में बारिश की संभावना बन सकती है। जब ये क्लाउड्स काफी ज्यादा हो जाते हैं मिडिल हाइट पर और ये लगभग सारे स्काई को कवर कर लेते हैं, जो ग्रेइश या ब्लूइश ग्रेइश कलर की मिड हाइट पे मौजूद क्लाउड, तो इसे हम अल्टो स्ट्रेटस कहते हैं। सूर्य या चंद्रमा इसके थ्रू अभी भी शाइन कर सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा फजी आपको नजर आएगा। तो अगर अल्टो स्ट्रेटस प्रकार के क्लाउड्स नजर आ रहे हैं तो इसका आशय यह है कि अब कुछ समय बाद स्टॉर्म या रेन हो सकती है। बहुत कम चांस होता है कि अल्टो स्ट्रेटस प्रकार के क्लाउड से बारिश हो, लेकिन अगर इनसे बारिश हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम इनको निम्बो स्ट्रेटस कहेंगे। ये आप चीज याद रखिए, क्योंकि जैसा आपको बताया वाटर बियर करने वाले जो क्लाउड है उनको हम निम्बस कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे निम्बो स्ट्रेटस कहा जाएगा। लो क्लाउड्स की हम बात करें तो लो क्लाउड्स में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्लाउड लो होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रे कलर के आपको नजर आएंगे। अधिकांश जो स्काई है उसको ये कवर करते हैं। ऐसा लगता है कि ये फोग है जो कि ग्राउंड तक नहीं आ रहा है। कभी कभार बहुत हल्की सी ड्रिजलिंग इसके माध्यम से हो सकती है, लाइट मिस्ट या ड्रिजलिंग इसके माध्यम से
हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटो क्यूमुलस, जब ग्लोबुलर प्रकार के क्लाउड्स लो लंपी ग्रे क्लाउड्स अगर नजर आ रहे हैं जिनसे हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, लाइट रेन हो रही है, तो इनको हम स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड कहेंगे। जैसा आपको बताया स्ट्रेटो क्यूमुलस और अल्टो क्यूमुलस क्लाउड के बारे में अगर हम कहें तो ये दोनों ही ग्लोबुलर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली बड़े साइज में आपको स्ट्रेटो क्यूमुलस दिखाई देंगे। इसके बाद निम्बो स्ट्रेटस, जैसा कि आपको बताया था ये डार्क ग्रे कलर के क्लाउड हैं जो कि स्काई में आपको लो नजर आते हैं, और ये वो बादल हैं जिनके साथ आपको लगातार बारिश या स्नो देखने को मिलेगी। क्योंकि इनके किनारों से लगातार बारिश हो रही है तो इनके जो एजेस हैं वो आप क्लियरली उसको देख नहीं पाएंगे, कई बार ये पूरे स्काई को भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद में वर्टिकल ग्रोथ के हम क्लाउड्स की बात करें तो वहां पर नाम आता है क्यूमुलस का। क्यूमुलस क्लाउड ग्लोबुलर क्लाउड है जो कि राइजिंग एयर के पार्सल को शो करते हैं। क्यूमुलोनिम्बस ये आपको विशेषकर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जहां पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वहां पर क्यूमुलोनिम्बस के क्लाउड्स आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। इनके अंदर आपको वर्टिकल ग्रोथ मिलेगी, ये करीब 10 किलोमीटर तक की हाइट हो सकती है। इनका टॉप फ्लैट देखने को मिलेगा और जनरली इनके साथ हैवी रेन, स्लो, हेल, लाइटनिंग, टॉर्नेडोस आदि एसोसिएट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अनयूजुअल क्लाउड्स हैं, उन अनयूजुअल क्लाउड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है कॉन्ट्रेल्स का। तो ये कॉन्ट्रेल्स आप वाकिफ होंगे, जब जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं हाई अल्टीट्यूड पे तो ऐसी स्थिति में वो कंडेंस्ड वेपर निकालते हैं, और ये जो ट्रेल होता है इस कंडेंस्ड वेपर का इसको हम कॉन्ट्रेल कहते हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रेल का मतलब जो है वो है कंडेंसेशन ट्रेल। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम एनवायरमेंटल साइंस के जो अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।